जानते हैं कि मेरा चल रहा है 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी में राउंड लिगामेंट पेन जो कि आपको यहाँ पे स्ट्रेच की वजह से फील होते हैं, रिब पेन जो कि आपके ब्रेस्ट के नीचे से लेके पीछे तक पेन जाता है, बैक पेन, ये सब इतना ज्यादा कॉमन है। सो गाइस आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ 7 स्ट्रेचिंग्स जो कि आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेचिंग्स करने के और क्या क्या फायदे हैं। तो स्ट्रेचिंग करने से आपकी बॉडी में जो टाइटनेस है वो कम होगी, जिसकी वजह से ये जो राउंड लिगामेंट पेन है, बैक पेन है, इसमें आपको काफी ज्यादा रिलैक्सिंग फील होगा। उसके साथ साथ जो आपका चाइल्ड बर्थ है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। सेकेंड, इट विल हेल्प इन रिलीजिंग गुड हॉर्मोन्स। प्रेगनेंसी के टाइम पे आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हो, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग करने से यू विल फील गुड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। थर्ड, हेल्प कंट्रोल योर वेट। सो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी आपका वेट इतना बढ़ रहा होता है, सो फैट बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में गेन ना हो तो उसके लिए स्ट्रेचिंग और वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। फोर्थ चीज जिसके लिए लड़कियां सबसे ज्यादा वरिड रहती है प्रेगनेंसी में, दैट इज स्ट्रेच मार्क्स। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वर्कआउट करने से या स्ट्रेचिंग्स करने से आपके बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ने वाले हैं, बट गाइस अगर आप स्ट्रेचिंग्स करोगे तो उससे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, उसके साथ साथ आपकी मसल स्ट्रेंथन होगी, तो स्ट्रेच मार्क्स होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। फिफ्थ चीज जो कि मुझे डॉक्टर ने बोली है कि जितना ज्यादा एक्टिव आप प्रेगनेंसी में रहोगे उतनी ही ईजी आपकी लेबर होगी, एंड आई होप फॉर द बेस्ट बिकॉज अभी मेरी डिलीवरी बाकी है एंड आई विल डेफिनेटली शेयर माई होल एक्सपीरियंस की थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग लेबर, मतलब मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया एंड आफ्टर हैविंग बेबी ऑफ कोर्स। अब काफी फीमेल्स का क्वेश्चन ये होता है कि हम कौन से मंथ से स्ट्रेचिंग या वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं अपनी, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा प्लेसेंटा डाउन था, जिसकी वजह से आई वॉज ऑन टोटल रेस्ट। सो डॉक्टर ने मुझे वर्कआउट के लिए सब चीजों के लिए मना किया हुआ था, तो फर्स्ट 3 मंथ तक मैंने कुछ भी नहीं किया। सेकेंड ट्रेमेस्टर से मैंने थोड़ा सा वॉक वगैरह करनी शुरू की, स्ट्रेचिंग्स करनी शुरू की। तो आई विल सजेस्ट अगर आप ऑनलाइन कोई भी वर्कआउट या स्ट्रेचिंग्स देख के कर रहे हैं, करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ग्रीन फ्लैग दिया है, डॉक्टर ने बोला है कि हाँ आप स्ट्रेचिंग्स कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, तभी करें। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द वर्कआउट। तो सबसे पहले जो स्ट्रेचिंग हम करने लगे हैं दैट इज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, जिसमें कि आपको अपनी एक लेग को फोल्ड करना है, एक लेग को स्ट्रेट रखना है एंड इट शुड बी 90 डिग्री। अब आपको अपने टोज को ऊपर की तरफ रखना है, लाइक यू हैव टू कीप इट टुवर्ड्स द स्काई, और आपको भी आगे बेंड करने की कोशिश करनी है एंड जितना आपसे बेंड हुआ जाता है उतना ही बेंड होना है। बॉडी के साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है एंड मेक श्योर कि आपको अपने पेट को स्पेस देना है, पेट को स्क्वीज नहीं करना है, पेट को आप थोड़ा इधर को रखें, बॉडी टुवर्ड्स दिस लेग और साइड वाइज आपको बेंड होना है। एंड अगर आपसे होल्ड नहीं हो रहा है 30 सेकेंड्स के लिए, देन यू कैन डू पल्सेस, जिसमें कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, सो यू हैव टू डू पल्सेस। तो आप इस तरीके से यू कैन जस्ट काउंट 10 और 20, जो भी आपकी बॉडी आपको स्टार्टिंग में अलाउ कर रही है, एंड देन अगेन आपको सेम एक्सरसाइज रिपीट करनी है दूसरी साइड। 1 leg fold, एक स्ट्रेट रहेगी, ट्राई टू बेंड योर बॉडी साइड वाइज, स्टमक को स्पेस देना है, राइट। आपके जो पैर हैं वो ऊपर आसमान की तरफ रहेंगे, नॉट लाइक दिस बट लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो सेकेंड एक्सरसाइज इज कैट कैमल स्ट्रेच, जो कि आपके बैक के लिए, आपकी नीज के लिए और आपके हिप्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जब रात को सोते वक्त मुझे ऐसे बैक में पेन होता है तो दिस इज वेरी सिंपल, जो कि आप बेड पे भी कर सकते हो। सो आपको अपने हाथों को रखना है बिल्कुल शोल्डर के नीचे और इधर घुटनों को रखना है बिल्कुल हिप के नीचे, राइट। एंड नाउ यू हैव टू हिप आउट एंड लुक अपवर्ड्स, स्ट्रेच फॉर फ्यू सेकेंड्स, यू कैन स्टार्ट विद 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then do opposite. Squeeze your hip inwards, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. थर्ड एक्सरसाइज इज लंज स्ट्रेच। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अगर आपको राउंड लिगामेंट पेन्स बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, स्पेशली मुझे सुबह उठते बहुत ज़्यादा फील होते हैं, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे अजीब सा स्ट्रेच फील होता है, बहुत पेन फील होती है, तो ये स्ट्रेचिंग करना आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको अपनी एक लेग को आगे रखना है, राइट, एक हाथ को घुटनों पर रख लें, एक हाथ को रखना है आपको नीचे, अपनी नीज को आगे को लेके जाना है एंड स्ट्रेच, और आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना है 30 सेकेंड्स के लिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, पहली बार कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है, तो आप 15 सेकेंड से शुरू कर सकते हैं। सेम दूसरी साइड, एंड बी वेरी केयरफुल, अपना बॉडी का बैलेंस बना के रखें। अगेन एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, एंड नाउ स्ट्रेच
अगेन जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप 10 सेकंड से शुरू कर सकते हैं, 15 सेकंड से शुरू कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली 30 सेकंड्स तक आप जा सकते हैं। नाउ फोर्थ एक्सरसाइज इज बटरफ्लाई, जो कि हम इंडियंस बहुत ही ज़्यादा कॉमनली करते रहते हैं। तो इसमें आपको अपने दोनों पैरों को जोड़ के अपनी बॉडी के जितना ज़्यादा आपसे लाया जाता है पास उतना आप पास लेके आए एंड होल्ड योर फीट। नाउ यू हैव टू डू बटरफ्लाइज। कोशिश ये करनी है कि आपके जो घुटने हैं थाइज एंड नीचे ज़मीन पे टच हो, बट ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना आपसे हो पा रहा है उतना करना है। एंड आप ये खुद नोटिस करेंगे कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो, बट विद टाइम जब आप इसको थोड़ा रेगुलरली करेंगे तो थोड़ा फ्लेक्सीबिलिटी आपको खुद ही फील होगी। कीप योर बैक स्ट्रेट। ये हम करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स के इसके हम लगाएंगे टोटल 5 से 10 सेट। फिफ्थ एक्सरसाइज इज चाइल्ड पोज। तो इसके दो वेरिएंट है, दोनों के दोनों मैं आपको अभी बताऊंगी। जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जो आपको नीज है उसको ज्यादा क्लोज नहीं रखना है, कीप इट वाइड सो दैट आप अपने पेट को प्रॉपर स्पेस दे सको, राइट? तो वाइड रखा एंड नाउ फर्स्ट वेरियंट इज दैट कि आपको आगे की तरफ बेंड होना है एंड अपने हाथ रखने हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज दिस, तो यहाँ पे आप होल्ड करके रख सकते हैं 15 टू 30 सेकंड्स के लिए। एंड सेकंड वेरिएंट इज दैट ये आपको पूरा आगे तक जाना है, इसमें आपकी जो अपर बैक है वो भी स्ट्रेच होगी। सो ट्राई टू टच योर चेस्ट टू द ग्राउंड एंड स्ट्रेच योर अपर बैक। हाथ को आप थोड़ा आगे तक लेके जा सकते हैं एंड होल्ड हेयर अगेन फ्रॉम 15 टू 30 सेकंड्स एंड देन कम बैक। सो बेसिकली अगर आपको पूरा आगे तक जाने में आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट नीचे टच हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हैं। नाउ सिक्स एक्सरसाइज इज हिप थ्रस्ट, जो कि आपके पूरे हिप फ्लेक्सर को स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको लेटना है अपनी बैक पे। वैसे तो प्रेगनेंसी में अपनी बैक पे लेटना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बट मैं सिर्फ बैक पे लेटती हूँ ये एक्सरसाइज करने के लिए, विच इज़ रियली गुड। आपको अपने हाथों को रखना है यहाँ नीचे सपोर्ट के लिए एंड नाउ यू हैव टू लिफ्ट योर बॉडी अप, ब्रीथ आउट एंड होल्ड हेयर फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन कम डाउन अप, लिफ्ट योर बॉडी अप एंड अगेन होल्ड देयर फॉर 10 सेकेंड्स। और आपको कम से कम ये 10 टाइम एक्सरसाइज रिपीट करनी है। एंड ये एक्सरसाइज करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उठना कैसे है, आपको डायरेक्टली ऊपर की तरफ नहीं उठना है। मेक श्योर कि आप पहले साइड वाइज बेंड हो, उसके बाद आप उठें, क्योंकि बहुत फीमेल्स ऐसे उठने की कोशिश करते हैं विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। साइड वाइज ही उठें, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। नाउ सेवन्थ एक्सरसाइज इज डीप स्क्वाट, जिसमें कि आपको अपने पैरों को शोल्डर से ज़्यादा वाइड रखना है। देन यू हैव टू स्क्वाट डाउन। मैं इसका ईजी वर्जन भी आपको बताने वाली हूँ। अगर आप पहली बार स्क्वाट्स कर रहे हैं तो ऐसे स्क्वाट्स ना करें, स्पेशली प्रेगनेंसी में। आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं, वो कैसे लेना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। यू हैव टू डू अ डीप स्क्वाट। अगर आपको हाथ यहाँ कंफर्टेबल नहीं लगते हैं आप हाथ यहाँ भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, राइट? एंड 5 सेकंड से आप शुरू कर सकते हैं, 10 सेकंड्स तक जाके आप टोटल 30 सेकंड्स तक यहाँ होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार स्क्वाट करें तो मेक श्योर कि आप किसी का सपोर्ट लेके ही स्क्वाट्स करें। अगेन आपको अपने पैरों को शोल्डर से ज्यादा वाइड रखना है, राइट? गॉट दिस? तो अब आपको अच्छे से पकड़ के यू हैव टू गो डाउन और आपके घुटने थोड़े बाहर को रहने चाहिए, आपको अपने पेट को प्रॉपर स्पेस देनी है। होल्ड हेयर फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन कम अप। तो ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये आपकी लेबर को थोड़ा इजी करने में हेल्प करता है, आपके जो पेल्विक एरिया है उसको मोबिलाइज करेगा। बेसिकली मैं इसका इजी आपको वर्जन भी बताऊंगी, बट फॉर नाउ आपको स्क्वाट डाउन करना है। अगेन आपको अपने पैरों को बाहर की तरफ रखना है, नीज को बाहर की तरफ रखना है सो दैट आप अपने पेट को प्रॉपर स्पेस दे सके। एंड आप चाहे तो हाथ नीचे भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, बट अगर आप बिना हाथ लगाए कर सकते हैं तो आप जैसे हम घर पे पोछा लगाते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपसे ऐसे हाथ लगा के भी नहीं चला जा रहा है तो आप अपने हस्बैंड की, अपने मदर इन लॉ की, मदर की, घर में किसी की भी सपोर्ट लेके, उनकी हेल्प लेके आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो आपको हाथ पकड़ना है, यू हैव टू स्क्वाट डाउन सपोर्ट लेके एंड देन यू हैव टू मूव। 1, 2, 3, 4, 5।
That's it, guys. Hope you like this video. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी then don't forget to like this video. फटाफट लाइक कर दो यार. And चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. And अगर आपको मेरी हर दिन की अपडेट चाहिए है, वैसे तो मैं YouTube पे रेगुलर शॉर्ट्स डाल रही हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि मैं हर दिन की एक्टिविटी कर रही हूँ प्रेगनेंसी के टाइम पे. एंड इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुक्ति गौतम के नाम से. एंड that's it, guys. Bye.